नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी LDC अभ्यर्थियों का जिनका चयन शिक्षा विभाग में हुआ है उनके दस्तावेज को लेकर जो परेशानियां हैं उनको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। तो थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आपकी जो परेशानियाँ हैं सॉल्व करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ जान लीजिए कि आपको दस्तावेज में क्या क्या चाहिए होगा। नंबर एक पे मैंने लिखा है यहाँ पर सभी दस्तावेजों की मूल प्रति। तो दोस्तों, दस्तावेजों की मूल प्रति का तात्पर्य यह है कि आपने DV टाइम पर जितने भी डॉक्यूमेंट जमा किए थे वो तो यहाँ चाहिए होंगे, लेकिन उसके बाद में नियुक्ति के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट आपके DV टाइम थे उनके अलावा भी अगर आपने कोई भी डिग्री वगैरह हासिल कर लिए तो वो डिग्री या वो डॉक्यूमेंट भी आपको ऐड करने होंगे। मतलब आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो पूरी जो आपने कंप्लीट कर ली वो पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड होंगे। उसके बाद में सभी दस्तावेजों की छाया प्रति के 2 सेट। मैंने यहाँ 2 सेट क्यों लिखा है दोस्तों, इसका तात्पर्य ये है कि आपको काउंसलिंग के टाइम पर 1 सेट जमा करना होगा तथा ज्वाइनिंग के टाइम पर भी 1 सेट जमा करना होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन आप सबको अप्लाई कर देना चाहिए जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर दिया उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस वेरिफिकेशन मांगा गया है और कुछ में नहीं मांगा गया है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपकी काउंसलिंग के टाइम पर अगर आ जाता है तो जमा करा देना, और नहीं आता है तो आपको जो आपने जो आगे जो जानकारी मिलेगी आपको उस अकॉर्डिंग देख लेना, और ज्वाइनिंग टाइम पर ज़रूर आपको PV जमा करना होगा। उसके बाद में हेल्थ या मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये भी कुछ जिलों में मांगा है कुछ जिलों में नहीं मांगा है। तो ये बनने के लिए मात्र आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, और इसके लिए भी आप अगर मांगा है आपके डिस्ट्रिक्ट में तो आप बनवा लें, और नहीं मांगा है तो वहाँ आपको ज्वाइनिंग टाइम पर जमा करना होगा। इन सारी चीज़ों के जो फॉर्मेट है आपको मिल जाएंगे नीचे लिंक में, वीडियो के लिंक में, और आपके सभी जिलों की लिस्ट कोशिश करूंगा यहाँ पर डालने की। वैसे मैंने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ मैंने डाल रखी है पूरी लिस्ट है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सारी लिस्ट यहाँ डाल दूँ। उसके बाद में अगली चीज़ आप देख लीजिए, शपथ पत्र। शपथ पत्र में आपको विवाहित अविवाहित दहेज पिक्स पे दस्तावेज सत्यता धूम्रपान संतान पुलिस आपराधिक सत्यापन। तो दोस्तों, शपथ पत्र में मैं यही कहूँगा कि अगर अभ्यर्थी विवाहित हैं तो उसे विवाह तथा दहेज तथा संतान इन तीनों को अलग अलग ही बनवाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ससुराल पक्ष और अपने दोनों के साइन होते हैं। अगर विवाहित अभ्यर्थियों का पास प्रमाण पत्र है तो उन्हें शपथ पत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिक्स पे के लिए कुछ जिलों में मांगा है कुछ में नहीं मांगा है। वैसे ये दस्तावेज जो फिक्स पे दस्तावेज हैं ये चाहिए होता है ज्वाइनिंग टाइम पर, अभी नहीं। दस्तावेज सत्यता, आपके दस्तावेज सत्य हैं इस बारे का शपथ पत्र। आप चाहे तो फिक्स पे दस्तावेज सत्यता तथा धूम्रपान तथा पुलिस आपराधिक सत्यापन, इन चारों पॉइंट को एक में ही ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपके ज़्यादा खर्चा ना हो। उसके बाद में CC, दो राजपत्रित अधिकारियों के CC ये आपको बनवाने पड़ेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। सभी दस्तावेजों को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, और उसके बाद में अंतिम पॉइंट है नियुक्ति के टाइम एप्लीकेशन देनी होगी आपको ज्वाइनिंग करने हेतु। और इसी एप्लीकेशन के बारे में मैं आपकी जब नियुक्ति होती है सभी डिस्ट्रिक्ट्स की उस टाइम पे मैं वीडियो या इसका जो फॉर्मेट है वो डाल दूंगा मैं। और एक और चीज़ दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो शपथ पत्र बनवाए जा रहे हैं उसके अलावा आपको वापस ज्वाइनिंग टाइम पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु एक और शपथ पत्र लगाना होगा। अभी आपके शिक्षा विभाग में लगवाए नहीं लगवाए बाद का विषय है, लेकिन अब तक जहाँ भी ज्वाइनिंग हुई है सबने लगवाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अभ्यर्थियों की सारी जो समस्याएं वो सॉल्व हो गई होगी, और आगे भी कोई समस्या होती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और आपसे आशा करता हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन अवश्य प्रेस करेंगे ताकि आपको आने वाली सभी न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, धन्यवाद।